आगरा चीनी के रोजा स्थित प्राथमिक विद्यालय में 5 से 6 फीट लंबा अजगर सांप घुस आया। जैसे ही बच्चों ने सांप को देखा पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच गई। बच्चों ने तुरंत अपने टीचर्स को बताया। स्कूल में बच्चों ने बिल्डिंग में एक कोने में 5 फीट लंबा अजगर सांप को छुपा हुआ देखा। स्कूल के सभी बच्चे सांप को देख कर डर गए। सांप के डर से कोई भी बच्चा कक्षा से बाहर नहीं निकल रहा था। मौके पर रेस्क्यू टीम ने पहुँच कर सांप को रेस्क्यू किया और प्राकृतिक आवास में छोड़ा। अपना नाम बता दीजिए। लीना रानी। क्या हुआ है मैडम स्कूल में? अजगर आ गया है। अजगर आ गया है? हाँ, इंटरवल से पहले आया है और अपने बच्चों को जाने नहीं दिया। बच्चे सारे परेशान बैठे हैं, अभी तक कोई टीम नहीं आई है। अच्छा, कौन सा स्कूल है ये? प्राथमिक विद्यालय गीता स्मारक और नवीन बेलनगंज चीनी का रोजा, दो स्कूल चलते हैं। कंपोजिट है। तो अजगर क्या छुपा हुआ है कहीं साइड में? साइड में वो साफ दिखाई दे रहा है और वहाँ बच्चे नहीं जाने दे रहे हैं। टॉयलेट के बगल में ही है सर। डर का माहौल है बच्चों। डर का माहौल। नाम बताइए आपका। सर, मैं वाइल्ड लाइफ एसोस से रेस्क्यू हूँ। मेरा नाम ताज है। हमें यहाँ सूचना मिली कि यहाँ पे स्कूल के अंदर एक सांप जैसी कोई चीज़ दिखाई दी गई है। फिर यहाँ पे जो स्कूल प्रबंधक जी हैं उनसे बात की गई, उन्होंने एक फोटो शेयर किया जिससे पता चला कि पाइथन है। इसलिए सर हम लोग यहाँ पे आए और आप लोग सभी लोग हैं सर आपके सामने। कितने करीब फुट का होगा ये? लगभग 5.5 से 6 फीट के आसपास है सर। कौन सी प्रजाति है ये? इसको रॉक पाइथन बोलते हैं सर। कहाँ से, किस जगह, कहाँ से, क्या लगता है कैसे आया होगा सर? एक्चुअली में ये अभी ये बारिश का टाइम है सर, तो किसी मेंढक के चलते या किसी चूहे के पीछा करते करते सर यहाँ पे आया। जिधर जिधर वो जाएगा सर उधर जाएगा, क्योंकि ये बारिश के टाइम में इनको यही खाने के लिए यही मिलता है सर, क्योंकि बाहर से भी आ सकता है सर नाइट में। ठीक, तो बाल पे चढ़ना इसके लिए ज़्यादा बड़ी बात है सर, पाइथन नहीं है।